आज आके माँ को प्रणाम किया, सेवा किया और सबके लिए कुशल मंगल का कामना किया। अच्छा, कहा जा रहा है 5 राज्यों में संघर्षपूर्ण है बीजेपी की, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो होते हैं, चुनाव होते रहेगा और आज का जो देश का परिस्थिति है, सबको बीजेपी को जिताना चाहिए, बीजेपी को वोट भी देना चाहिए और भारत को शक्तिशाली करना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि देश का जनता बीजेपी का साथ ही रहेगा, मोदी जी का साथ में रहेगा। काफी लोग हमास का भी समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, जो फिलिस्तीन में चल रहा है, क्या कहेंगे उस मेंटेलिटी को? प्रॉब्लम यही है कि जैसे लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा टेररिज्म का शिकार रहा है और हम हमेशा टेररिज्म का शिकार बनने का जो एक हर समय में ही हम एक टेंटर हुक में रहता हूँ कि आज यहाँ बम फूट सके, कल गोली बारूद हो सके। इसलिए हमारा जो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी भी ऐसा ही है। तो एक बार जो भी लोग हमास को सपोर्ट करते हैं, उनका मन में इतना ही क्रिया करना चाहिए कि आप हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप संत्रासवादी को सपोर्ट कर रहा है और ऐसा करने से आपका नुकसान होगा। वोट का फायदा देखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, देश का फायदा देखना चाहिए। तो हमें सब लोगों को हमास को कंडेम करना चाहिए और टेररिज्म का खिलाफ हमें विश्व भर में आवाज उठाना चाहिए। असम से लेके केरल तक प्रदर्शन हुए हैं शुक्रवार को, कुछ लोग सड़कों पे उतरे हैं, उनका कहना फिलिस्तीन एक राष्ट्र, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग सड़के पर उतरता है उनको सड़के से लेके जाके जेल में बंद कर देना चाहिए, समस्या समाधान हो जाते हैं। इतना उनका ऊपर बहुत ज्यादा एनालिसिस करके सड़क पर उतरना का तो उनका अधिकार है और उतरने का बाद जेल में डालने का हमारा अधिकार है। हम हमारा अधिकार भी थोड़ा सा दिखा देने से सड़क में उतरने वाला बिजनेस बंद हो जाएगा। थैंक यू।